देखिए फ्रेंड कैसे फूले फूले हो रहे हैं, बिल्कुल बाजार जैसे पापड़ हमारे बन के तैयार हैं। तो आप भी बनाइएगा इसी तरह, ज़रूर पसंद आएगा आपको भी। और इधर से हमारे सारे पापड़ तल के तैयार हो गए हैं, देखिए कितने क्रंची बने हैं ये। सो हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं कुछ नया बनाने वाली हूँ। ये लिए हैं हम साबुनदाना, और एक कप हमारा है ये साबुदाना, और 1.5 कप हमने इसमें पानी डालकर भिगो दिया था 30 मिनट पहले। तो ये देखिए हमारे साबुदाना अच्छे से फूल चुके हैं। तो अब इसमें हम थोड़ा सा डालेंगे नमक, नमक थोड़ा कम ही डालेंगे क्योंकि इससे हम बनाने वाले हैं पापड़। और तलने के बाद पापड़ हमारे उसमें नमक थोड़ा सा कम ही रहे तभी अच्छे लगते हैं। तब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे नमक को, और इसमें हम कुछ भी नहीं डालने वाले हैं। इधर मैंने इडली वाला बर्तन रख दिया है और गैस को भी ऑन कर दिया। इसमें हमने डाल दिया है 2 गिलास पानी, और ये तब तक हमारा गर्म होता है जब तक इधर हम इसमें जो है सांचे में थोड़ा सा तेल या रिफाइंड कुछ ग्रीस कर लेते हैं। और इन सभी सांचों में हम थोड़ा थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल लगा लेते हैं। अब फटाफट से ये जो हम प्लेट ले लिए हैं, और इधर हम जो साबुदाना भिगाए थे इसको हर प्लेट में थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे। जैसे ही हम इडली बनाते हैं वैसे ही हमें भरना है, ना बहुत मोटा भरना है और ना ही बहुत पतला भरना है। एक एक चम्मच इसमें अच्छे से आ जा रहा है। देखिए हमारे सारे सांचे भर चुके हैं। फ्रेंड्स, हमने ऐसे दोनों सांचों को तैयार कर लिया है साबुदाना डाल करके। अब इसको हम इस बर्तन में सेट कर देंगे। और इसका लगा देंगे हम ढक्कन, ज़्यादा से ज़्यादा इसको हम 3 मिनट तक पकने देते हैं लो फ्लेम पर, मीडियम फ्लेम पर। अब ये 3 मिनट हो गया है, हमने ढक्कन खोल दिया है, और इसको जो है उठा के रख लेते हैं इधर। ये साबुदाना का पापड़ देखिए हमारा बन गया है, और इसको हम थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं, उसके बाद इसको हम निकालेंगे। तो फ्रेंड्स, 1 से 2 मिनट हो गए हैं। अब इसको हम एक थाली में पलट लेंगे किसी चाकू या कलछुल की मदद से। इसको हल्का हल्का सा साइड साइड से पहले छुड़ा लेंगे, उसके बाद इसको हम ऐसे थाली में पलटते जाएंगे। देखिए हमारा कितना अच्छा साबुदाना पापड़ हो गया है। और इन सबको भी हम छुड़ा लेते हैं ऐसे ही। ऐसे ही हमें सबको निकालना है। और इसको भी हमें ऐसे से फैला लेना है थाली में। फ्रेंड्स, देख सकते हैं हमारे सारे पापड़ निकल चुके हैं ऐसे ही। अब इसको हम धूप में भी सुखा सकते हैं और पंखे की हवा में भी। चलिए इसको हम रख देते हैं धूप में। वाह, तो देखा आपने कैसे मेरे पापड़ बनके तैयार हो गए।
देखिए फ्रेंड कैसे फूले फूले हो रहे हैं, बिल्कुल बाजार जैसे पापड़ हमारे बन के तैयार हैं। तो आप भी बनाइएगा इसी तरह, ज़रूर पसंद आएगा आपको भी। और इधर से हमारे सारे पापड़ तल के तैयार हो गए हैं, देखिए कितने क्रंची बने हैं ये। तो ये वीडियो हमारा कैसा लगा फ्रेंड्स, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए देखते हैं ये कितने क्रंची बना हमारा पापड़।